बस्तर आईजी ने 2020 की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और संभाग स्तर पर क्राइम और सफलता को लेकर पुलिस के कार्यों को संतोषजनक बताया। इस दौरान 7 जिलों के एसपी समेत बस्तर में तैनात अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि पुलिस विकास और सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जनता के साथ विश्वास स्थापित कर रही है और इसका लाभ बस्तर के शांति स्थापित करने में मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने पिछले 4 साल के आपराधिक आंकड़े पेश किए और तुलनात्मक रूप से चोरी, एनडीपीएस, अपहरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक मामलों में कमी की जानकारी दी। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ रणनीति में बड़े बदलाव की बात की और कहा, पहले हमारा फोकस कैंपों के जरिए नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करना होता है, लेकिन अब कैंपों के जरिए इलाके में विकास करना है और ग्रामीण भी यही चाहते हैं कि उन्हें बेहतर शिक्षा और इलाज मिले। उन्होंने कहा कि साल 2021 में हमारी कोशिश है कि हमारे सभी कैंपों से न सिर्फ नक्सल ऑपरेशन बल्कि कैंपों से लोगों का सीधा जुड़ाव हो और इसके लिए कैंपों को एक विकास केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। सुरक्षा बल द्वारा पुलिस द्वारा क्रियान्वयन की जा रही कार्य योजना है विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना के कारण से नक्सल का काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, उनका कॉरिडोर्स बंद हो रहा है, उनका सेफ पैसेज बंद हो रहा है, नए नए कैंप्स के माध्यम से उनका सप्लाई नेटवर्क टूट रहा है, उनके क्षेत्रफल कम होते जा रहा है। इस परिस्थिति में नक्सली द्वारा कुछ ग्रामीण को दिग्भ्रमित जानकारी देकर शासन प्रशासन और सुरक्षा बल के विरुद्ध एक माहौल निर्मित करने के लिए एक साजिश रचा जा रहा है। इस साजिश के बारे में जनता को हम लोग अवगत कराया जा रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग अपने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से जनसंपर्क करके जनता को सही बात किया, गलत बात किया उसके समझने में हमको सफलता भी प्राप्त हो रहा है और इसमें लगातार हम लोग निगरानी है और हमको पूरा विश्वास है जनता को। इतना सालों से नक्सली का एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी और जन विरोधी, इसको देख लिया, जान लिया, समझ लिया, इसलिए नक्सली की इस प्रकार के साजिश में वो साथ नहीं देगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।